गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि वेणुवणंत अरविंद दलायताक्ष वरहावतं समसिताम्बुज सुंदरांगं कंदर्प कोटि कममीय भूषण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि पंथस्तु कोटि शत वत्सल संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानां सोपत्ति यत्प्रबद चिन्न विचिन्त तत्वे गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसो रचयितु जगदण्डकोटि यच्छक्तिरस्ति जगदण्ड चयाय दन्त अण्डान्तरस्त परमानुचयान्तरस्त गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि यद्भाव भावत दियो मनुजस्त सेव संप्राप्त रूप महिमा तनयान भूष ते प्रभाव निचया विहिताश्च एह गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूप मह्यश्च चतिष्ठते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि ततः प्रतिगस्ति हेतु एषं भूतां मयि ततः समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि दीपाचिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्येदगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि य कारणानव जले भजति स्म योग निन्द्रामनन्त जगदण्ड सरोम कूप आधार शक्तिमवलम्ब्य परां सुमूर्ति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि यस्येक निश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णु महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि Hare Hare
Yeah.
आपको पता है हरि का अर्थ क्या होता है? हरि का अर्थ होता है हरि शब्द द्वि अर्थ अनेक अर्थ द्वि मुख्यतम। हरि शब्द का अनेक अर्थ है लेकिन दो मुख्य है। कहते हैं कि सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। कहते हैं कि हरि शब्द का अर्थ है कि भगवान का प्रेम मिलता है और दूसरा कि हमारे जीवन में जितने भी अमंगल है जितने भी दुख है ना वो कट जाते हैं। इसे क्या बोलना चाहिए? हरि बोल हरि बोल। Thank you.
Okay.
Thank you.
Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama.